चंद्रायन गुट्टे में मेरे खिलाफ भी एक महिला को उतारे थे और आज भी उतारे, कोई नई बात नहीं। हमारे साथ AIMIM के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन साहब जुड़े हैं। सर, आज आप कैंपेन में उतरे हैं, सर क्या कहना चाह रहे हैं अभी? कुछ नहीं, हर वक्त की तरह इस मरतबा भी सारे हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के आवाम का बिला लिहाज मजहब मिल्लत हमारे साथ रहेंगे, हमारे हक में वोट देंगे और हम एक रिकॉर्ड अक्सरियत से फिर से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कामयाब करेंगे। सर, उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो उम्मीदवार इस बार थोड़े अलग है। एक महिला को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से फील्ड किया है, माधवी लता को, उसको कैसे देखते हैं सर? कौन आपके लिए, अगर है कोई चुनौती तो कौन है यहाँ पर? चंद्रायन गुट्टे में मेरे खिलाफ भी एक महिला को उतारे थे और आज भी उतारे, कोई नई बात नहीं। तो क्या लग रहा है सर, इस बार कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मैंने आपके सवाल का पहले ही जवाब दे दिया कि रिकॉर्ड अक्सरियत से हम कामयाब होंगे। सर, कल आपने एक बयान दिया था कि आपको या आपके भाई को जेल भी भेजा जा सकता है, पॉइजन भी दिया जा सकता है या फिर कहीं लेके जाने के उस पर गोली भी चला सकते हैं, उस पर क्या कहेंगे? पहले भी आप पर अटैक्स हो चुके हैं। हाँ, हो सकता है बराबर, मेरे साथ तो पहले भी हुआ है, कई मरतबा भी हुआ है और मुल्क के सूरत हाल से हर कोई वाकिफ है क्या हो रहा है। किस कॉन्टेक्स्ट में आप ये बात कह रहे हैं सर, और किसको आप इस पर एड्रेस करना चाहेंगे? समझदार लोगों ने, जिनको समझना है उन्होंने समझ लिया है। धन्यवाद सर, इससे बातचीत करने के लिए। तो ये थे AIMIM के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, कैमरा पर्सन दामोदर के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।